अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। तो रमजान स्पेशल में एक और रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो कि दही भल्ले की रेसिपी है और ये बहुत पसंद की जाती है। अच्छा, ये देखें हमारी ये इमली की चटनी तैयार हो चुकी है, रेड ग्रीन चटनी हो गई है। ये जो हमने भल्ले बनाए थे इसको मैंने हाफ आवर के लिए पानी में भिगो के रखे थे और अब पानी निकाल दिया है। ये पापड़ी होम मेड है, इसकी रेसिपी भी आपको आ जाएगी। अच्छा, ये बूंदी बना ली थी हमने, ठीक है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, अभी भिगोए हैं। छोले थे, पानी निकाल दिया, फिर छोले हैं। और ये मैंने दही ली थी, ये देखें, और इसको अच्छे से ग्राइंडर में करके हमने इसको ग्राइंड कर लिया, अच्छे से ग्राइंड, ठीक है। तो अब हम इसकी असेंबलिंग शुरू करें। साइड में टमाटर सजाते जाएं। और ये देखें मैंने छोले और उबले हुए आलू वो मैंने साथ रख दिए। पोटैटो को ज्यादा उबालिएगा नहीं वरना ये मैश पोटैटो टाइप चले जाएंगे, टूटने लगेंगे। थोड़ी सी बीच में हरी मिर्चें आप डाल दें, तो ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चों ने भी खानी है। ऊपर से थोड़ा सा दही डाल दें। अब ये रेड चटनी जो हमने बनाई थी डाला, ये मैंने चाट मसाला डाला है। अगर और स्पाइसी रखनी हो तो आप इसके अंदर रेड चिली भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे भल्ले बनके तैयार हो चुके हैं। अचार बहुत ही मजे की बनती है और इसको घर में ट्राई कीजिए, बिल्कुल बाहर के रेस्टोरेंट जैसी लगती है। लाहिर बताएंगे कैसी लगती है। बहुत अच्छी लगती है, दिखने में खाने में भी टेस्टी। खाएंगे ना अभी, तो खाएंगे तब रोजा खुलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मरियम को बराबर में बेल आइकन प्रेस कर दिया करें। तो हमें याद रख